सुशांत के पिता के वकील क्या कह रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि परिवार पहले ये मान रहा था कि ये आत्महत्या है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये हत्या है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनते हैं। तो पिता के वकील हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीपी मुंबई ने शायद ये कहा कि उस समय प्रोटेस्ट नहीं किया गया कि हमने क्या लिखा है। हमारा कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा स्पष्ट था कि हमने उस समय प्रोटेस्ट ये किया था कि ये मराठी में नहीं लिखा जाना चाहिए, और मराठी में लिखा जा रहा है तो हमसे साइन नहीं कराना चाहिए। लेकिन उस समय हमको ये नहीं मालूम था कि जो हम बोल रहे हैं उसके अलावा कुछ लिखा कुछ और जा रहा है। वो तो हमको पता कैसे चल सकता था जब हम मराठी जानते ही नहीं है, परिवार वाले जब मराठी जानते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब हलफनामा डाला मुंबई पुलिस ने तो उन्होंने सील्ड कवर में दिया। अगर इतनी अहम बात उनके पास उस समय थी तो सील्ड कवर में क्यों दिया? अंग्रेजी में देते, हमको भी देते, हम बताते सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा हमने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये तो कल परसों जब उन्होंने कोई फ्रेंडली मीडिया को या अक्यूज्ड के थ्रू अगर जब रिलीज किया है, लीक किया है, तब हमको पहले पहल पता चला कि हमारे मुंह पे ये सब बात लिख दी गई है मराठी में, और तब ये मौका आया कि हम डिनाई करें कि जो उस पर लिखा है वो गलत है। क्योंकि पहले हमारा ऑब्जेक्शन था कि मराठी में नहीं होना चाहिए, और कल हमारा ऑब्जेक्शन था जब ये पता चला कि गलत लिखा गया है, तो हमारा ऑब्जेक्शन था कि जो लिखा गया है वो ऐसा परिवार वालों ने नहीं कहा था। अरविंद